शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। क्या वो इंस्पेक्टर आने नहीं रहे? यानी एक ईमानदार, बहादुर, कानून पर कुर्बान हो जाने वाला, कानून का मुहाफिज नहीं रहा? हाउ सैड। उसका कत्ल तूने किया है। मैंने? हमारे पास सबूत है। कैसा सबूत? चश्मदीद गवाह। इंस्पेक्टर, सरकार तो तुम्हें सिर्फ वर्दी देती है, तनख्वाह देती है, लेकिन तुम जैसे इंस्पेक्टरों की बाकी की जरूरतें मैं पूरी करता हूँ। इस जंग की हार जीत का फैसला तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये जंग सिर्फ चंगेज लाला और इंस्पेक्टर करण के बीच नहीं, ये जंग दहशत के निजाम और आवाम की ताकत के बीच है। हाथ बदल जाते हैं, हथियार वही रहते हैं, सीने बदल जाते हैं, आग वही रहती है। ये सिकंदर है, गुनहगारों की दुनिया में इसकी ताकत की मिसाल दी जाती है। मेरा बड़ा वफादार है, कुछ भी करना, लेकिन मुझे हाथ मत लगाना। जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है उसे चीर कर रख देता है। ये रहे एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स, अभी तो मेरे भाई को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। इंस्पेक्टर चंगेज लाला की ताकत, अब रहा सवाल तुम्हारे उस चश्मदीद गवाह का। मामला कोर्ट तक पहुंचने के लिए 25 दिन पड़े हैं। जरा देख कर तो आओ, तुम्हारे उस चश्मदीद गवाह के पास 25 सांसें भी बाकी हैं या नहीं। लाला, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंजलि मर चुकी है करण। नहीं सर, जिस लड़की को मैंने भागते हुए देखा वो अंजलि ही थी। तुम्हारी आंखें धोखा खा गई होंगी करण। दरअसल तुम्हारी आंखें अंजलि को देखना चाहती हैं, इसलिए हर गुजरती हुई लड़की को वो अंजलि बना देती है। आंखें धोखा खा सकती हैं सर, लेकिन दिल नहीं। दिल सबूत नहीं होता करण। सबूत है ये कागजात, ये बयानात, और ये सब साबित करते हैं कि अंजलि मर चुकी है। दुनिया जो मर्जी कहे, मैं जानता हूं कि अंजलि जिंदा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंजलि जिंदा है? क्योंकि मैं जिंदा हूं। अगर अंजलि मर गई होती तो मैं भी कब का मर गया होता। कम ऑन करण, मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, कोई शायर नहीं। ये ठीक कह रहे हैं करण, आज नहीं तो कल तुम्हें अंजलि की मौत का सामना करना पड़ेगा। तुम भी अली? करण, तुम समझते क्यों नहीं? इस वक्त हमारा मकसद चंगेज लाला है, तो अंजलि नहीं। तोड़ो इस फार्म को, निकलो बाहर इससे, चंगेज लाला के बारे में सोचो। वी हैव टू गेट दैट मैन। सर, मुझे अंजलि को ढूंढने दीजिए प्लीज। हम चंगेज लाला तक पहुंचना चाहते हैं ना, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें अंजलि तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं तुम जिंदा हो अंजलि, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। करण, तो भी यही सोचता है कि जो मैंने देखा वो मेरा वहम है? नहीं, मैं नहीं जानता तूने क्या देखा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सच हो या आंखों का धोखा, जन्नत हो या जहन्नुम, मैं तेरे साथ हूं। तो चल अंजलि, जहां भी हमें उसे ढूंढ निकालना होगा, लेकिन चंगेज लालों को इस बात की हवा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना हमारी मंजिल हमसे बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन करण, अगर अंजलि जिंदा है तो तुम्हें देखकर तुमसे दूर क्यों भागी? यही तो पता करना है अली, और ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि चंगेज लाला ने अंजलि को कहाँ छुपा रखा। और उस जगह का पता हमें सिर्फ चंगेज लाला के कुत्ते दे सकते हैं। मैं तो आ गई मंदिर। एक करण, वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। अरे मेरा दोस्त लेट लतीफ अभी तक आया नहीं। नहीं आए तो ऊपर होंगे। अरे चलो ना, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, चलो ना दौड़ लगाते हैं, चलो। हार जाओगी? अरे रहने दो, तुमसे हार जाऊंगी। 21वीं सदी की लड़की हूँ, कदम से कदम मिलाकर चल सकती हूँ। ठीक है, 21वीं सदी की लड़की, मैं तुझे 21 कदम की लीड देता हूँ, जा। हो जाए, अब तो और भी बुरी तरह हारोगे, देख लेना।
1, 2, 3, 4 देख लेना जी, 22, 24, 25 रेडी ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। एक मिनट क्या हुआ? सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूर आगे निकल जाऊं और तुम पीछे देखते हुए रह जाओ। 1, 2, 3 आपका कहाँ है भाई? भाई के पैगाम का तो सिर्फ बहाना था, मिलना तो मुझे तुझसे था लुटेरे। तो झूठा पैगाम क्यों भेजा? क्या करती, और कोई रास्ता नहीं था? अगर आका को ये पता चल गया तो? हाँ, सोचती हूँ जमाने से कह ही दूँ कि जिसने मुझे लूटा है वो लुटेरा तू ही है। भूल जाओ ये बीती बातें। क्या भूल जाओ? तुझे भूल जाओ सिकंदर? मैं तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं, अब तू मुझे भूल जाए ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। बंद करो ये बेहूदा बात। तो अब मेरी बातें भी बेहूदा लगने लगी? बड़ा शरीफ बन गया है तू, तुझे शराफत का सबक सिखाने वाली वो अंजलि। सिकंदर, जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और आ चुका है तो खुद को तुम्हें बर्बाद कर ही दूंगी, लेकिन साथ में तुझे भी बर्बाद कर दूंगी और उसे भी तबाह कर दूंगी जिसने मुझसे तेरा दिल चुराने की जुर्रत की। सिकंदर, अंजलि कहाँ है? मैंने उसे आजाद कर दिया। किससे पूछकर? अपने दिल से। दीवाना तो नहीं हो गया तू? तू जानता है ना मेरी मौत है और किसी की जिंदगी। मुझे अंजलि चाहिए सिकंदर। जाओ ढूंढो उसे आकाश में या पाताल में। नहीं नहीं आका, नहीं, उसे बख्श दो आका। मैंने हमेशा एक वफादार कुत्ते की तरह तुम्हारी खिदमत की है, जो तुमने मुझसे कराया मैंने किया, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं, उसे बख्श दो आका। बख्श दो उसे? आज तू उसकी पैरवी कर रहा है जिसकी जिंदगी मेरी मौत है और तुझे एहसास हो गया कि तू एक कुत्ता है, लेकिन सिकंदर तू ये भूल गया कि तुझे रास्ते से उठाकर मैंने नई जिंदगी दी, तेरे सूखे होंठों को मैंने पानी दिया, तेरे भूखे पेट को मैंने रोटी दी। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पे, रोटी देकर मुझे रोटी छीनना सिखाया, जिंदगी देकर जिंदगी लेना सिखाया, तुमने मुझे इंसान नहीं जानवर बना दिया आका। ठीक कह दी थी, तू बदल गया है, उस कुतिया ने तुझे बदल दिया है, उस दो टके की छोकरी। नहीं आका,
गद्दार, तूने मेरे सामने सर उठाने की जरूरत की? लगता है उस बदजात ने अपनी जवानी का जादू तुझ पर चला दिया है। बस बस, क्यों, क्या कर लेगा तू? मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर हाथ उठाएगा? मुझ पर, मुझे मारेगा? अपने आका पर हाथ उठाएगा? मारेगा मुझे? बस आका, उठा हाथ नहीं, मार, मार मुझे, मार, मार मुझे, मार मुझे। सिकंदर, तूने लाला के साथ बगावत की है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की है। ये जानकर भी कि मोहब्बत का अंजाम बर्बादी है, तबाही है, मौत है। हाँ लाला, जिसके मुंह से आज तक मेरे लिए आका के सिवा कोई लफ्ज नहीं निकला, उसने आज मेरा नाम लेने की जरूरत की। हाँ चंगेज लाला, हाँ। मेरा खून नहीं, ये तेरा गंदा नमक है लाला, जो हमेशा के लिए मेरे बदन से निकल गया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ।